नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के पंचांग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज है 6 अक्टूबर रविवार 2019 और आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आया हूं आपके बीच में। तो बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ में। आज हम जानने वाले हैं आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी, तिथि, वार, नक्षत्र सहित शुभ अशुभ समय, आज का राहुकाल, आज का अभिजीत मुहूर्त, आज का दैनिक उपवास और प्रत्योहार। तो दोस्तों, इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा अपने मोबाइल में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 अक्टूबर रविवार 2019 और सर्वप्रथम बात करेंगे आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय के बारे में। तो आज का सूर्योदय एवं चंद्रोदय के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। आज का सूर्योदय 6:16 AM पर होगा सुबह और आज का सूर्यास्त शाम को 6:02 PM पर होगा। आज के चंद्रोदय की बात करें तो 1:42 PM पर चंद्रोदय होगा और आज का चंद्रास्त 12:20 AM अक्टूबर 7 पर होगा। अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो जो आज का पंचांग है, आज की तिथि के बारे में बात करेंगे। आज की तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 10:54 AM तक रहेगी, उसके पश्चात जो है नवमी तिथि लग जाएगी। बात करें अगर नक्षत्र की तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 3:05 PM तक रहेगा, उसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। बात करें अगर योग की तो अतिगंड योग 11:29 PM तक होगा और उसके पश्चात सुकर्मा योग बनेगा। अगर बात करें करण की तो करण बव करण 10:54 AM तक होगा, उसके पश्चात बालव करण होगा जो कि 11:42 PM तक, उसके पश्चात कौलव करण होगा। अगर वार की बात कर ली जाए तो वार है रविवार और आज का बड़ा शुभ वार है रविवार। रविवार के दिन बहुत सारे कार्य किए जाते हैं लेकिन वो मैं अभी बताऊँगा नहीं, हम बात करने वाले हैं पंचांग के कुछ विषय के और बारे में। आज का चंद्रमास एवं संवत जान लेते हैं। लूनर मास चंद्रमास आश्विन पूर्णिमांत होगा और आश्विन ही अमांत होगा। अगर संवत की बात करी जाए तो शक संवत 1941 विकारी, विक्रम संवत 2076 परिधावी और गुजराती संवत की अगर बात करें तो 2075 साधारण। अगर बात कर ली जाए राशि तथा नक्षत्र की तो राशि तथा नक्षत्र कुछ इस प्रकार हैं। सूर्य राशि है कन्या राशि, सूर्य जिस राशि पर है वो है कन्या राशि। और चंद्र राशि की बात करें तो जो चंद्र राशि है वो है धनु राशि, 9:37 PM तक चंद्रमा धनु राशि का रहेगा, उसके पश्चात मकर राशि में चला जाएगा। अगर बात करें सूर्य नक्षत्र की तो सूर्य नक्षत्र है हस्त नक्षत्र और नक्षत्र पद की बात करें तो क्रमशः 3, 4, 1, 2, 3 पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और 3, 4 पर पूर्वाषाढ़ा और उसके पश्चात 1, 2, 3 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमेशा नक्षत्र पद पर बना रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के ऋतु तथा आज के आयन के बारे में। आज की दृक् ऋतु शरद ऋतु होगी, आज का दृकयन दक्षिणायन होगा। आज की वैदिक ऋतु शरद ऋतु और साथ में ही आज का वैदिकयन दक्षिणायन होगा। अगर दिनमान की बात कर ली जाए तो 11:45 और 28 सेकेंड का दिन होगा और रात्रिमान की अगर बात करें तो रात्रि जो है 12:15 और 4 सेकंड की रात्रि होने वाली है। अगर बात करें मध्याह्न की तो 12:09 PM पर आज का मध्याह्न होने का पूर्वानुमान है इस प्रकार। अगर बात कर ली जाए शुभ समय के बारे में, आज के शुभ समय के बारे में बात करेंगे। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:46 AM से 12:33 PM तक होगा। आज का अमृतकाल सुबह 9:56 AM से 11:39 AM तक होगा। अगर बात कर ली जाए आज योग बन रहा है, बड़ा शुभ योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आप जो भी कार्य करें वो हमेशा सिद्ध होंगे। तो बड़ा शुभ योग होता है सर्वार्थ सिद्धि योग, इसमें हमेशा हमें शुभ कार्य करने चाहिए। जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो बन रहा है 3:05 PM से, दोपहर के 3:05 PM से लेकर के शाम को 6:17 AM अक्टूबर 7 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तथा अगर रवि योग की बात कर ली जाए साथ में तो रवि योग भी 3:05 PM से 6:17 AM अक्टूबर 7 तक रवि योग भी साथ में होगा। बात कर ली जाए मित्रों अगर विजय मुहूर्त की तो 2:07 PM से 2:54 PM तक विजय मुहूर्त होगा और गोधूली मुहूर्त जो है 5:50 PM से 6:14 PM तक गोधूली मुहूर्त होगा।
सायन्य संध्या की अगर बात करें तो 6:02 PM से 7:15 PM तक सायन्य संध्या होगी। आज के निशिता मुहूर्त की बात करें तो 11:45 PM से 12:34 AM अक्टूबर 7 तक आज का निशिता मुहूर्त, और आज का ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात करें तो 4:39 AM अक्टूबर 7 से 5:28 AM अक्टूबर 7 तक आज का ब्रह्म मुहूर्त होगा। मित्रों बात कर लेते हैं प्रातः संध्या की, तो प्रातः संध्या सुबह 5:03 AM अक्टूबर 7 से 6:17 AM अक्टूबर 7 तक आज प्रातः संध्या होगी। अब बात कर ली जाए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के शुभ समय के बारे में बात करेंगे। आज का राहुकाल 4:34 PM से 6:02 PM तक है। आज का गोलिक काल की अगर बात कर ली जाए तो दोपहर के 3:05 PM से 4:34 PM तक आज का गोलिक काल होगा। और अगर आज के यमगंड की बात कर ली जाए तो 12:09 PM से 1:37 PM तक आज का यमगंड होगा। और बात कर लेते हैं आज के दुर्मुहूर्त के बारे में। आज का दुर्मुहूर्त 4:28 PM से 5:15 PM तक आज का दुर्मुहूर्त होगा। आइए बात करते हैं वर्ज मुहूर्त की, तो आज का वर्ज मुहूर्त 11:52 PM से 1:37 AM अक्टूबर 7 तक आज का वर्ज मुहूर्त होगा। और अगर बात करें आनंदादि एवं तमिल योग की, तो आज का आनंदादि एवं तमिल योग कुछ इस प्रकार से होगा। आनंदादि योग शुभ योग 3:05 PM तक रहेगा, बड़ा शुभ योग बन रहा है आज 3:05 PM तक, तो आप अपना कोई भी शुभ कार्य है इस योग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए तो शुभ योग है और ये भी अमृत के समान ही है। और अगर तमिल योग की बात कर ली जाए तो तमिल योग जो बन रहा है वो है सिद्ध योग, जो कि 3:05 PM तक रहने वाला है, जो ये भी अमृत के सदस्य है। ये बात कर लेते हैं आज के निवास और शूल के बारे में। आज का निवास और शूल होमावति होगी शुक्र की, और आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, और ज़रूरत हो अगर फिर भी यात्रा करनी पड़े तो उसका उपाय होता है, वो उपाय ज़रूर करें। और वो उपाय जानने के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं वो उपाय आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब बात कर ली जाए आज के राहुवास की, तो आज का राहुवास उत्तर दिशा में होगा। और अगर बात करें अग्निवास की, तो आज अग्निवास जो है पाताल में होगा 10:54 AM तक, सुबह 10:54 AM तक पाताल में होगा, और फिर उसके पश्चात पृथ्वी पर अग्निवास होगा। तो आज पृथ्वी पर भी अग्निवास होगा, तो आप 11 बजे के बाद कोई भी हवनात्मक कार्य कर सकते हैं। 11 बजे से पहले अगर आप हवनात्मक कार्य करते हैं तो उसका पुण्य प्रतिफल नहीं मिलेगा। चंद्रवास की बात कर लेते हैं, आज का चंद्रवास पूर्व दिशा में होगा, जो कि 9:37 PM तक होगा, और फिर दक्षिण से 9:37 PM से पूर्ण रात्रि में दक्षिण दिशा में होगा। अब बात कर लेते हैं आज के चंद्रबलम के बारे में। निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम 9:37 PM तक मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन, वृषभ राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन, मिथुन राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। अब बात करें अगर ताराबलम के बारे में, तो निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 3:05 PM तक होगा, जो कि अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुष्य, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद। और निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबल अगले दिन सूर्योदय तक होगा। भरिणी, रोहिणी, मृक्षिरा, पुनर्वशोश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद तथा रेवती। बात कर लेते हैं मित्रों आज के दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार के बारे में। तो आज के दैनिक उपवास कुछ इस प्रकार से होंगे। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है, और साथ ही में सरस्वती बलिदान की पूजा भी आज होने वाली है। और अगर बात करें संयोग और गुण अच्छा है, दुर्गाष्टमी भी आज ही है, तो दुर्गाष्टमी की पूजन हम जानते हैं सभी के यहाँ पर होती है। और संधि पूजा कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाओं के द्वारा होती है, तो संधि पूजा भी आज ही होती है। और बात अगर करें तो आज महानवमी भी है, तो महानवमी की पूजा भी आज होगी।
तो मित्रों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।